का पीसीसी का प्रेसिडेंट, इन्हों आरएसएस से आए, मेरी बात यकीन करो आप, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्हों आरएसएस से आया ये पीसीसी का प्रेसिडेंट। इसकी शुरुआत आरएसएस से हुई, इसकी जिंदगी जब तक रहेगी आरएसएस में ही रहेगा। और आरएसएस की खूबसूरती है कि आरएसएस सबको छोड़ती है, साहब तू वहां जा, तू यहां जा, तू उधर जा, तू इधर जा। तो इन्होंने शुरू की आरएसएस, फिर उसके बाद इन्होंने बीजेपी में, एबीवीपी बीजेपी में गए। 1999 में असेंबली का इलेक्शन बाय इलेक्शन हुआ, सैयद सज्जाद साहब का इंतकाल हो गया, कारवान का अफसर खान लड़े, किशन रेड्डी पहला इलेक्शन मनली से लड़के हार गए, डिच्चा मारने को आए, उल्टा मामला हो गया। मैं अपनी आंखों से ये आरएसएस अन्नाकू किशन रेड्डी के साथ काम करते देखा। फिर बाद में आरएसएस बोली नहीं तू छोड़ दे, टीडीपी में चला जा। टीडीपी की साइकिल पे ऐसा बैठा, नायडू की साइकिल को तोड़ दिया पूरा। तो नागपुर से आरएसएस का हुकुम हुआ कि अब तू चले जा कांग्रेस में, कांग्रेस में चले गया। अब ये ऐसा इंसान है जिस किसी इमारत पे बैठता उसको बिठाता, उन्हें पूरा डिमोलिश कर। तो कांग्रेस के गांधी भवन को मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे। कांग्रेस का निशान क्या है? पंजा। हाथ किसके हाथ में है? आरएसएस के हाथ में है। और ये हमको बोलता है, क्या बोलता है? असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पे चले गए, हमारी शेरवानी पे आ गए। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, हिटलर के जमाने में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया हिटलर, हम उसकी मजम्मत करते हैं, गैस चेंबर में भी डाला उनको, कैद खाने में डाला, 60 लाख यहूदी मर गए, मगर मरे एकदम नहीं। हिटलर क्या किया, पहले जितने यहूदियों के बड़े बड़े सियासी कायदीन थे उनके कपड़ों पर पहले हमला करता था हिटलर। ये तारीख है, ये इनके कपड़े देखो, यहूदियों के कैसे कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, इनके कपड़े देखो, इनके कपड़े देखो। उसके बाद क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ, पिक्चरें बनाई गई यहूदियों के खिलाफ, उसके बाद 60 लाख यहूदी मारे गए। तो ये शख्स भी अब जब कपड़े पे हमला करना शुरू किया, वो हिटलर की तारीख को दोहरा रहा है ये आरएसएस अन्ना। पहले कपड़े पे हमला करो, उसके बाद क्रिस्टल नाक का मूवमेंट होगा, उसके बाद फिजिकली इनको हार्म करो। इसकी जहनियत, नफरत इसके जबान पे आ ही गई। तो उसको असदुद्दीन ओवैसी से नफरत तो दिखा रहा है, मगर नफरत है हर शेरवानी, कुर्ता, पैजामा, टोपी और दाढ़ी रखने वाले से। इसको नफरत जबान पे अल्लाह ला ही दिया, अल्लाह इसको एक्सपोज कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं इसने कहा, बल्कि आप तमाम को इसने पैगाम दिया कि जैसा हिटलर ने पहले जबान से कपड़ों पर हमला किया, उसके बाद जिस्मानी हमले शुरू हुए। अब क्या भारत में ट्रेनों में दाढ़ी देखकर गोली नहीं मारी जा रही है? देखा नहीं आपने जयपुर के एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन का ऑफिसर नाम पूछ के गोली मार दिया 3 लोगों को, दाढ़ी रखने पर नहीं मारा जाता, सर पे टोपी पहनने वालों को नहीं मारा जाता, बुर्खा पहनने वालों को नहीं मारा जाता, गाली नहीं दी जाती, गोश्त का कारोबार करने को पीट मारने वालों को पीटा नहीं जाता। ये उसी पूरा सिलसिले की एक कड़ी है। ये चाहिए है कांग्रेस तेलंगाना में आज, इसकी जबान से जो निकलता है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, वो आप तमाम तक मैं पहुंचा रहा हूं, वही उसकी इरादे हैं। यह है असल खेल आरएसएस का, यह है असल खेल कांग्रेस का। आप अंदाजा लगा लो मेरी बात का, यकीन करो आप, खुदा के लिए इसके दिल में नफरत भरी हुई है, इसीलिए ये इस तरह की वाहियात बातें करता है। और शेरवानी पे जब तुम आ गए आरएसएस अन्ना, शेरवानी का दूसरा नाम परेशानी भी है। इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी शिवशंकर साहब के इलेक्शन के लिए,
इंदिरा गांधी शेरवानी पहनने वाले मेरे कायद सालार के बाजू बैठी थी आरएसएस अन्ना। अच्छा इन्हें खुद ये कांग्रेस का सदर खुद जब बल्दिया के इलेक्शन हैदराबाद में हो रहे थे, इसका वीडियो है हजरत, गूगल पे जाओ आप, यूट्यूब पे जाओ, असद भाई हमको छोड़ दो, जहां आप लड़ रहे वहां वोट ले लो, जहां आप नहीं हमको वोट दो, जब तेरे को याद नहीं आई शेरवानी, आपको जब याद नहीं आया। मेरे भाई ये इनका मसला है, एहतियात करिए इन लोगों से। अभी इख्तदार में नहीं है तो ये काम कर रहे हैं, इनकी जबान इनके नापाक अजायम को बयान कर रही है, इनकी जबान इनकी सोच आपको बोल रही है कि ये मुस्तकबिल में हमको परेशान और तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं।